फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो लास्ट वीडियो में आप डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर आपको कर दिया था। तो आज उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और इनमें से कुछ क्वेश्चन एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। बट बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, इफ अ नंबर, एक नंबर है वो डिविजिबल है 11 से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमें वैल्यू निकालनी है। ये नंबर डिविजिबल है 11 से बोल रहा है, तो नंबर डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब हमने 11 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि सम एट ऑड प्लेस एंड द सम एट इवन प्लेस, देन फाइंड द डिफरेंस। इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 और 0, ठीक है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पर हम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो एड ऑड प्लेस पर 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 31। अब इवन प्लेस पर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 32 प्लस x, सम आ गया। अब क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 31 माइनस 22 माइनस x 22, तो ये क्या आ जाएगा? 9 माइनस x। अब इसमें से x की वैल्यू क्या होगी जो हमारा क्या देगी? 11 से डिविजिबल, या तो 0 कर दें या मल्टीपल ऑफ 11। तो देखिए, अगर 9 में से 9 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। आप चाहे तो ऑप्शन लगा के देख सकते हैं, 9 में से 7 करें तो 2 आएगी, तब भी नहीं होगी। 9 में से 9 करें 0, हमें 0 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 मिल जाएगा जब हम x की वैल्यू 9 रखेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है। तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होता है आपका, जो मैंने वहां पर बताया था। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा क्यों मैंने आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और जरूर आता है क्वेश्चन, जरूर आता है 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला आपको समझ आ गया, बहुत ही सिंपल था। थोड़ा डिफिकल्ट हाई लेवल पर हम आएंगे इसमें से। अभी आपकी एक ही डिजिट मिसिंग थी ना, अब आपकी दो दो डिजिट मिसिंग होंगी, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे देख लीजिए 9 में से x क्या माइनस करे, 0 आ जाए। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, तो भाई इसका मतलब ये होता है ना, तो x 9 माइनस x 0, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लीजिए, तो x की वैल्यू 9 डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। तो दोनों तरह से आंसर 9 आएगा, आप कैसे भी निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 8 डिजिट नंबर है वो 72 से डिवाइड है, और हमें 5x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? ये नंबर, मैंने कहा था ना, जो ऐसे नंबर होते हैं उनके को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो वो दोनों फैक्टर से अगर डिवाइड है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। तो 72 के को प्राइम फैक्टर 8 और 9 हो जाएंगे, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब। तो देखते हैं, सबसे पहले 8 पर चलते हैं, अभी 9 को छोड़ते हैं। तो 8 पर चलने के लिए मैंने क्या कहा था, ये तीन डिजिट हमारी लास्ट की 8 से डिविजिबल हो जाए, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है, तो तीन डिजिट हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करके आप देखिए तीन डिजिट, सबसे पहले तो 0 आप पुट करके देखिए, 0 तो 8 से नहीं जाएगा, 1 पुट करोगे नहीं जाएगा, 2 पुट करिए आप, ठीक है, एक ही डिजिट है ना, सिंगल डिजिट, जब 2 पुट करेंगे 312 पर चला जाएगा, और ये 8 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 2, वैल्यू y की आ गई 2। अब ये नंबर हमारा क्या बन गया? 7 8 9 x 5 3 1 2, ये नंबर हमारा बन गया। अब हमें 9 से और करना है, मैंने आपको डिजिटल सम बताया था आजकल, उससे बहुत इजी है, तो डिजिटल सम आप लगा दीजिए, जहां 9 कैंसिल कर दीजिए, 8 और 1 9, ठीक है, 7 और 2 9। अब 5 प्लस 3 8 हो गए, तो 8 प्लस x प्लस 8 ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या ऐड करें जिससे x की वैल्यू या तो डिविजिबल हो जाए 9 से, या 0 कुछ भी हो जाए,
ठीक है, 9 के टेबल में जाना चाहिए। तो देखिए यहां से हम क्या करें, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगी ना। x की वैल्यू 1 रख के देखिए, हाँ 1 + 8 9, तो डिजिटल सम 9 हो गया, मतलब नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू 2 तो आई गई थी। अब ये इसमें रख दीजिए 5x - 3y में, 5 × 1 − 3 × 2 यानी 5 और 3 − 6 यानी कि आ जाएगा −1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपका −1। इस टाइप से आपके क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 डिजिट का एक नंबर है, डिविजिबल है 88 से, तो सिंपल सिंपल वैल्यू 4x - y की वैल्यू निकालनी है और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है y की। अभी तक हम स्मॉलेस्ट ही रख रहे हैं, जिसमें आपका ना लिखा होगा उसमें हम स्मॉलेस्ट ही देखते हैं ज्यादातर, जिसमें ग्रेटेस्ट लिखा हो उसमें आप जरूर चेक करिएगा। तो ठीक है, ठीक है, तो आप रखिए। अच्छा 88 के को प्राइम फैक्टर 11 और 8, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले फिर से 8 की तरफ जाते हैं, क्योंकि 8 से हमें मिल जाएगा 5/2। ठीक है, एक डिजिट, अब 8 कब डिविजिबल होगा, जब आप 0 रखोगे तब भी 502 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, जब आप 1 रखोगे 512, ये आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, आप करके देख लो। ठीक है, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई 1। अच्छा अगर ये कहता ना ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, ये हमें मिनिमम तो हम नहीं रखते y की, तो हम आगे चलते, मिनिमम चलते तो हम उल्टा चलते कि 0 से 9 तक रख सकते हैं, सिंगल डिजिट नंबर है तो हम 9 से चलते। क्या 9 रखने पे आता है ना, ऐसे चलते तो अभी स्मॉलेस्ट के लिए ही मान के चलिए, अब ग्रेटेस्ट नहीं लिख रहा, तो इसलिए हमने अब y की वैल्यू 1 रख दी। अब y की वैल्यू आ गई तो ये नंबर हमारा बन गया 32x। देखिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था ना वैसा ही वाला बन गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा था, बस एक नहीं था, 11 से जो डिविजिबल बताया था, तो आप इजीली कर दीजिए। अब क्या डिविजिबिलिटी होती है 11 की, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की सम का डिफरेंस। तो ये देखिए पहले इसको मार्क कर लीजिए, यानी ऑड प्लेसेस 3 + x + 1 + 5 + 2, यानी कि इसका सम आपका आ जाएगा 3 + 1 = 4 9 10 11, इसका सम आपका 11 आ जाएगा। अब जो बची डिजिट है और इवन प्लेस, इसका सम आपका आ जाएगा 8। अब माइनस कर दीजिए, −11 + x - 8, भाई इवन और ऑड को माइनस करना है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका x + 3। तो आप मुझे अब बताइए, या तो मैं मल्टीपल बना दूं 11 का या 0 कर दूं, तो 11 का ही मल्टीपल मेरे लिए बनाना सही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या ऐड करूं जिससे ये 11 का मल्टीपल बन जाए, मुझे प्लस करना है, तो मैं इसमें क्या प्लस करूं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग बताइए। 1 2 3 8, अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं तो हो जाएगा, ये करके देखते हैं, 8 + 3 कितना होता है 11, यानी 11 का मल्टीपल बन जाएगा ये, तो 8 की इसमें यानी कमी रह गई थी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8। ऐसे हमें निकालना है, बताइए कोई दिक्कत, 8 की कमी आ गई थी तो 8 हो गई। अब क्या पूछा है, 4x - y, तो इसमें पुट कर दीजिए 8, इसकी वैल्यू आ गई 4 × 8 और y की वैल्यू 1 आ रही थी, यानी 32 - 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 31। यस 31 है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट सेम सब ऐसी है, 10 डिजिट नंबर दे रखा है, वो 72 से डिवाइड है, 2x - y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले वही 72 के फैक्टर आपके हो गए 8 एंड 9। तो पहले हम चलते हैं
एक्स इसकी तरफ, 5x2, लास्ट थ्री डिजिट को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज दे रखी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, समझ आ गया आपका, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी है। अच्छा अगर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अभी तक आप देख रहे थे आपने पिछला वाला 1 रख दी थी, x की वैल्यू 5/2 डिवाइड है, और वो लेकिन मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम नहीं, लेकिन इसमें हमें मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप उल्टा चलिए, एक ही डिजिट है तो 0 से 9 नंबर तक हम ही रख सकते हैं, तो जब आप यहाँ 592 रखोगे, उल्टा चलिए अब, ग्रेटेस्ट से चलिए अब, ग्रेटेस्ट से अब आप 1 से लेकर चलते हुए आओगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, हमें क्या जरूरत है, हमें ग्रेटेस्ट से करना है तो डायरेक्ट 9 से नहीं हुआ तो उससे कम ग्रेटेस्ट 8 से भी नहीं हुआ फिर 7 ऐसे रखिए, तो 592 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56, 8 4 32, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 9, यहाँ पर 1 वैल्यू गलत हो जाएगी, लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 सही थी, क्योंकि स्मॉलेस्ट नहीं रखनी हमें ग्रेटेस्ट रखनी है, तो 9 वैल्यू आपकी x की हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई डायरेक्ट यहाँ से 9। अच्छा तो अब आप फिर से 9 से आप देखिए 7 5 y 9 7 4 0 5 9 2, ये आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 9 से और करना है तो 9 की फिर से वो देख लीजिए, सबसे पहले तो 9 कट कर दीजिए जो 9 है, फिर 7 और 2 9, ये हो जाएगा कट, ठीक है स्टूडेंट। अब 5 और 4 9, ये कट हो जाएगा आपका। अब आपका क्या बच गया, अब आपका 7 और 5, तो 7 और 5 कितना हो गया आपका 12, लेकिन हमने कहा था एक डिजिट तक हमारा डिजिटल सम आता है, यानी 12 को भी आप प्लस कर दीजिए, प्लस y तो चले गई साथ में, y भी है, 1 प्लस 2 3, जब तक एक डिजिट तक ना आ जाए। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे जिससे ये 9 से हो जाएगा, तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 3 में हम ऐड करेंगे 6, तभी तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 प्लस 6 अगर हम कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6, y की वैल्यू आपकी आ गई 6, ठीक है। ऐसे हम निकालने हैं 1 प्लस 2 करके 12 प्लस y, नहीं 12 प्लस y, यानी दो नंबर की डिजिट है ना, दो में नहीं छोड़ेंगे हम, सिंगल सिंगल करेंगे, तो y की वैल्यू अब इसमें रख दीजिए आप, देखिए 2x माइनस y, तो 2 × 9 − 6, 18 − 6, यानी कि आंसर इज 12, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये एक नंबर आपको दे रखा है, ये 12 से डिविजिबल है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, वो भी स्मॉलेस्ट, p की वैल्यू निकालनी है। अच्छा नंबर 12 से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, पहले मैं लिख लेती हूँ 4 8 6 4, मल्टीप्लाई में है ये, मल्टीप्लाई 9 p 2, ये 12 से डिविजिबल है, यानी ये 3 × 4 इससे डिविजिबल होगा, तो वैल्यू निकालिए आप पी की, पी की आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात आप पहले देखिए, ये नंबर पहले 3 से देखिए, सिर्फ ये वाला नंबर, ठीक है सिर्फ ये वाला नंबर, कैसे आप 3 से ये डिविजिबल है, 8 प्लस 4 12 12 और 6 18 18 प्लस 2 22, ये 22 सम दे रहा है, यानी कि ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, यानी ये 9p2 तो हमारा 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, तभी तो पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। देखिए पूरा नंबर 12 से कब डिवाइड होगा, ये वाला जब नंबर 3 से भी डिवाइड हो 4 से भी, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब आपको लग रहा होगा क्यों सिर्फ 3 से डिवाइड होगा 9p2, तो मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ, मैंने कहा कोई भी नंबर 12 से डिवाइड है, 36 नंबर में ले रही हूँ, 36 इज डिवाइड बाय 12, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 36 इज डिवाइडेड बाय 3 × 4। अब मैंने 36 को पूरा ना लिख के ब्रेक करके लिख लिया, 4 × 9 इज डिवाइड बाय 3 × 4। अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ये जो 4 वाला है ये 3 से डिवाइड नहीं है, सेम कंडीशन बनी है, लेकिन ये 4 से पूरा डिवाइड है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो नंबर होगा ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तभी तो हमारा पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ भी एक और नंबर ऐसा ले लें जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो, 8, तो देखिए इसका सिर्फ 32 आ जाएगा, तो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब 4 से अगर ये डिवाइड है नंबर, एक नंबर, तो दूसरा नंबर 12 का मल्टीपल होने के लिए 3 से तो डिवाइड हो गई, तो सेम ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं है लेकिन 4 से डिवाइड है,
ये वाला नंबर तो पूरा 3 से डिवाइड होगा ही होगा, और नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उसके डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल ली है। ठीक है, 11 में क्या प्लस करें जिससे, यानी 12 नंबर डिवाइड है तो p की वैल्यू आ गई 1। और स्मॉलेस्ट के लिए, अगर ग्रेटेस्ट के लिए होता तो ऑप्शन भी चेंज होते, कुछ और होते। ग्रेटेस्ट के लिए होता ना तो 9 से देखते हम, 11 प्लस 9 20 नहीं है, 11 प्लस 8 19 नहीं है, 11 प्लस 7 18 ये होता फिर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको ध्यान देना है, जहां पर कुछ ना लिख रहा हो वहां स्मॉलेस्ट ही लीजिए, लेकिन ग्रेटेस्ट जहां लिख रहा हो वहां पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 3 डिवाइडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर 984, और जिससे हमें 4 डिजिट का नंबर मिलता है 1327, तो 483 हमारा ऐड है 984 में, और जिससे हमें क्या आंसर मिलता है, ये हमारा ऐड करने पर मिलता है। तो ए और बी की वैल्यू निकालिए तभी हम ए प्लस बी की निकाल पाएंगे। तो अब आप एक चीज पहले देखिए, यहाँ 4 + 3 = 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अभी इसको छोड़ दीजिए, और 9 + 4 या पूरा 30 ऐसे बना। इसका मतलब क्या होगा, 8 में जो भी नंबर ऐड करेंगे वो कोई कैरी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे 9 + 4 = 13 तब आया ना जब यहाँ से इसकी कोई कैरी नहीं आई होगी, यानी यहाँ पर जो डिजिट आएगी हमारी वो कैसी आएगी, जिसमें कैरी ना लगे, यानी कि या तो वो डिजिट 0 होगी ए की वैल्यू, या ए की वैल्यू हमारी आएगी 1। इसके बाद अगर 1 से बड़ी ए की वैल्यू जाती है तो हमारी कैरी आ जाएगी, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने इससे ये निकाल लिया। अब पहले हम ए की वैल्यू 0 के लिए रखते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू 0 ले ली तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू अब 0 रखी है ना, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 1387। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, वैल्यू 0 लेके वी की वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब नंबर हमारा बन जाएगा 1387। ठीक है, अच्छा समझ आ गया ना आपको मेन चीज, यहाँ तो यहाँ ए की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ये हमें कैसे पता चला, देखिए 3 + 4 = 7, यहाँ से भी कोई कैरी, और 9 + 4 = 13, इसका मतलब यहाँ पर जो डिजिट सम होके मिल रहा होगा, 8 + 8 जो मिल रहा होगा और जो बी बन रहा होगा वो कैरी नहीं होगी, क्योंकि कैरी इधर आ जाती तो ये 9 + 4 तो 13 ऑलरेडी है, तो कैरी तो हो ही नहीं सकती। तो ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी 8 आएगा, और ए की वैल्यू 1 रखेंगे 9 आएगा, और हम ए की वैल्यू 1 से बड़ी रख दे 2 तो हमारा उससे बड़ा चल जाएगा कैरी। तो ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो 1387 के लिए आप 11 के लिए पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 1 + 8 ऑड प्लेस पर 9, और 7 + 3 = 9 = 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गए 1, तो 1 तो कोई डिविजिबल नहीं है 11 से, यानी ये तो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया रॉन्ग। अब ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो वी की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी हमारा 1397 बन जाएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या ये 11 से डिविजिबल है, 1 + 10 और 7 + 3 = 10, हाँ ये 0 आ जाएगा, मल्टी 0 आ जाए तो मतलब 11 से डिविजिबल है ऑड और इवन प्लेस करने पर। मैं यह जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि ये तो सब आप जान चुके हो, 11 से डिविजिबल की कैसे निकालते हैं, ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, सम 0 आ गया मतलब डिविजिबल है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 9 यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। डिजिट नंबर 123 एक्स वाई जेड कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से 11 से 13 से, तो वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई प्लस जेड, यानी सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हम x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब 123 एक्स वाई जेड ये 6 डिजिट का नंबर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट में कि कुछ केस के लिए 7, 11, 13, 37 इन सबसे डिविजिबल नंबर 6 डिजिट का कब हो सकता है, जब उसकी डिजिट पेयर में रिपीट डिजिट या तो रिपीट हो रही हो 1। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था x x x x x x, ये नंबर हमेशा 7, 11, 13, 37 इन सबसे डिविजिबल होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक आदमी कोई और नंबर होगा ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, अब आप सुनिए, जब भी ऐसी चीज हो ना तो हम पेयर, ठीक है मैंने आपको 6 डिजिट का तो बता दिया था, अब पेयर की बात सुनिए। जब भी ऐसा कोई नंबर होता है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ABC ABC ABC, ठीक है, जब हम 3-3 के पेयर देखते हैं, अगर नंबर हमारा ऐसे है तो भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 3-3 के वो पेयर बना रहा है और हर 3 के पेयर के बाद रिपीट हो रहा है, या फिर
ये एक सीरीज थ्री की चल रही है तब भी ये डिविजिबल होगा। कुछ भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी नंबर आप ले लीजिए, वो अगर थ्री के पेयर में सेम चीज रिपीट हो रही है, जैसे थ्री का पेयर है 4 5 8, तो नेक्स्ट थ्री का पेयर भी 4 5 8, नेक्स्ट थ्री का पेयर भी 4 5 8, तो ये नंबर 3 7 11 13 से हमेशा डिविजिबल होते हैं। मैंने आपको वहां पर केवल एक डिजिट का बताया था, अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम रिपीट हो गई तो वो डिविजिबल हो जाएगी 7 11 13 से। अब मैं आपको पेयर का बता रही हूँ, अगर कोई भी नंबर 3 3 डिजिट के पेयर आपको बना रहा है और वो सेम पेयर बना रहा है, जैसे 2 2 2 का है तो सारे पेयर 2 2 2 के बन रहे हैं हर 3 डिजिट में, या 4 5 8 के बन रहे हैं, तो वो नंबर आपका 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा ही। तो यानी कि ये एक्स वाई जेड, ठीक है, जो हमारा ये नंबर है 1 2 3, तो इसके आगे भी आपका अगर वो 7 11 13 तीनों से ही डिविजिबल है तो आगे हमारा 1 2 3 का ही पेयर आना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू हो गई 1, y की 2 और z की 3, तो x माइनस y प्लस z ना हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 आ गया हमारा 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, x की वैल्यू हमारी आ गई 2। फाइव और नए तरह का क्वेश्चन है, मैं नए तरह के करवा रही हूँ, डिविजिबल वाले तो आप सबको समझ आ ही गए होंगे, मैं नए तरह के करवा रही हूँ, डिविजिबल वाले तो आप सबको समझ आ गए होंगे। अब रिमाइंडर निकालना है, 97 डिजिट नंबर है, यानी एक नंबर की कितनी डिजिट है 97, और वो डिवाइड है आपका 16 से, ठीक है, वो आपका 16 से डिवाइड है। अच्छा, लेकिन इसमें आप देखिए 16 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, लास्ट की अगर 4 डिजिट डिवाइड हो जाए 16 से तो वो नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 16 से, ठीक है, हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं लास्ट की 4 डिजिट, लेकिन हमारे पास यार लास्ट की 4 डिजिट नहीं है, उनको निकालना है। आप ये देखिए, और 97 डिजिट है टोटल नंबर में, तो 9 तक डिजिट यहाँ पर होगी, 97 में से एक एक डिजिट का नंबर 9 तक हो गई, तो उसमें से माइनस करिए, माइनस करिए इसमें से 17 में से 9 आप माइनस करोगे 88, यानी 88 डिजिट अब हमारी केवल बची लिखने के लिए। अरे भैया 88 डिजिट ये कैसे आई, मैं आपको देखो बताती हूँ, 97 डिजिट का टोटल नंबर है, टोटल नंबर जिसमें से हमारी 0 से, जिसमें से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 से लेके 9 तक, 0 नहीं लिखेंगे, 0 का तो कोई वो ही नहीं होता ना लेफ्ट में, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 डिजिट हो गई, एक एक डिजिट का नंबर है, यानी अब हमारे पास 88 डिजिट और लिखनी है। 88 डिजिट हमने यहाँ से स्टार्ट करी, 2 डिजिट की डिजिट आना स्टार्ट हो गई, 10 11 12 13 14, यानी सम में हमारी 2-2 डिजिट आ रही है। 2-2 डिजिट आने का मतलब क्या है, एक नंबर में 2 डिजिट आ रही है, यानी हमें 88 डिजिट चाहिए तो हमें 44 नंबर चाहिए होंगे ना केवल, यानी 10 11 12 13, 88 डिजिट के बाद हमें 44 नंबर, क्योंकि उसमें 88 डिजिट आपकी हो जाएंगी, यानी 44 नंबर, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट का है, तो 44 नंबर लिखने का मतलब 88 डिजिट हो गई हमारी, ठीक है। तो आप 9 के बाद आप 44 नंबर और लिख दीजिए, तो नंबर आपके कहां तक जाएंगे, आपके नंबर 53 तक, यानी लास्ट नंबर आपका जाएगा 53, और इससे पहले क्या आ रहा होगा आपका 52 आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे, यानी कि 5 2 5 3, ये हमारा लास्ट 4 डिजिट नंबर, इससे पहले क्या आ रहा होगा 51, इससे पहले 50, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और लेकिन हमें लास्ट 4 डिजिट से मतलब है, अब आप 16 का डिवाइड कर लीजिए 5 2 5 3 में, कितना आ जाएगा, यानी 5 रिमाइंडर बचा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको समझ आ गया, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, 9 डिजिट एक एक नंबर की डिजिट है, एक डिजिट का नंबर है, 9 तक एक एक डिजिट आ रही है, तो 9 मतलब अब मैं 9 तक हमने लिख लिया, तो हमारी 88 डिजिट और लिखनी बाकी हो गई। अब 88 डिजिट जो आएंगी हर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है, 10 11 12, 2 डिजिट आ जाएंगी एक नंबर लिखते ही, तो यानी 44 नंबर लिखते ही हमारी 88 डिजिट आ जाएंगी जो हमें चाहिए थी। तो अब हम 9 के बाद जब 44 नंबर और लिखेंगे, तो 9 तक तो नंबर खत्म हो गए, हम 10 से 44 नंबर और लिखेंगे, तो 10 से 44 नंबर और लिखेंगे तो हमारी नंबर इसमें प्लस करके देखिए 53 तक चले जाएंगे, यानी लास्ट नंबर हमारा 53 होगा, उससे पहले 52,
इसमें आप 16 का डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसी है, इसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब रिमाइंडर निकालना है, 76 डिजिट का हमारा नंबर है, ठीक है, और डिवाइड करना है, यानी सभी हमें लास्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए, 9 तक हमारी एक एक डिजिट, 9 डिजिट हमारी लिख चुके हैं, तो 76 नंबर में से जब हम 9 हमारा माइनस होगा, जब हमारा 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यानी हमारी 67 डिजिट लिखनी और बची है। लेकिन 9 के बाद से जो भी हम नंबर लिखेंगे सब में दो दो डिजिट हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है, यानी 67 डिजिट हमें और लिखनी है। तो नंबर देखिए कैसे लिखा जाएगा इसमें, 66, अब 67 तो 2 के पेयर में आता नहीं, यानी 66 आएगा, तो हमारी ऐसे लिखिए इसको, 66 डिजिट प्लस 1 नंबर की केवल 1 डिजिट, ठीक है, ऐसे हो जाएगी हमारी, यानी 66 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर, यानी 9 के बाद आप 33 नंबर और लिखिए, तो कहां तक ये नंबर चले जाएंगे, 33 नंबर और लिखोगे आप 42 तक, यानी हमारा लास्ट में 42 और इससे पहले 41। लेकिन यहां तक हमारी 60 जब हम लिखेंगे तो केवल 75 डिजिट हो जाएंगी, नंबर की एक डिजिट और रह जाएगी, यानी 42 के बाद आ रहा होगा हमारा 43 का केवल 4 आएगा, 43 पूरा नहीं आएगा, अगर 43 पूरा लिख देंगे तो 77 डिजिट का नंबर हो जाएगा। देखिए 67 डिजिट हमें लिखनी है, लेकिन एक हर नंबर जो भी हम 9 के बाद लिखेंगे उसमें दो डिजिट कवर हो जाएगी, तो यानी एज ए 10 से जब हम चलेंगे तो हमारी 66 डिजिट तक पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं, यानी 33 नंबर और अगर हम लिखेंगे तो 42 तक लिखने पर हमारी 66 डिजिट आ जाएगी। अब बची एक डिजिट, और 42 के बाद कौन सा नंबर आता है, 43, लेकिन हमें एक डिजिट लिखनी है, 43 की दोनों डिजिट नहीं लिखनी है, तो केवल 43 की एक डिजिट लिखेंगे हम, 43 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नंबर ही केवल एक डिजिट चाहिए। अब लास्ट में क्या बचा, 1424, इसका आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जा रहा है, यानी देखिए इसमें रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, पूरा कट हो गया तो 0 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, अच्छा अगर 32 से डिवाइड करने को बोलता तो 32 में लास्ट की 5 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट की ये से देखते हैं, इससे बड़ा वो आपको नहीं देगा। 8 बोलता तो लास्ट की 3 डिजिट देखता, वो डिजिट कैसे निकाली ये आपको ध्यान में रखनी है। वहां पर हमने एक पूरे पेयर बनाए थे क्योंकि वहां पर पूरा डिवाइड था, 67 को 2 से आप डिवाइड कीजिए तो हमें नंबर 33 नंबर मिलेंगे 66 का, प्लस एक डिजिट और रह जाएगी, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, ये मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था एक्स वाला, और इस क्वेश्चन में भी बताया था इससे 2-3 क्वेश्चन पहले भी। एक नंबर है और ए इसमें हमारा मिडिल नंबर है, और ये नंबर 123 डिजिट का नंबर है, टोटल 123 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल है 7 से, तो ए जो है वो मिडिल नंबर है। अब ए की डिजिट हमें निकालनी है कि ए क्या होगा, देन ए इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको 123 डिजिट का एक नंबर है, इसमें से आप ए वाला डिजिट हमें पता नहीं, इसको माइनस कर दो तो टोटल आपकी माइनस 1 करोगे 122 डिजिट रह जाएंगी, यानी ए के पास में मिडिल डिजिट है, यानी 61 डिजिट आपकी इधर हो जाएंगी और 61 डिजिट आपकी इधर हो जाएंगी, ठीक है भाई, कैसे हुई, टोटल 122 डिजिट आ गई, अगर हम एक डिजिट और हटा दें, मतलब मिडिल वाली डिजिट को हटा दें, तो टोटल 123 डिजिट कब बन रही है, जब हम मिडिल डिजिट को इंक्लूड कर रहे हैं, और हमें मिडिल डिजिट निकालनी है, अगर हम मिडिल डिजिट को हटा दें तो टोटल 122 डिजिट रह जाएंगी, और ये मिडिल नंबर है तो 61 डिजिट इधर आ जाएंगी इसके, और 61 डिजिट राइट साइड में चली जाएंगी। इतना आपका क्लियर हो गया, इतना आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक बताया था कॉन्सेप्ट 6666, जब भी एक रिपीट होती है, 1 2 3 4 5 6 बार कोई डिजिट रिपीट होती है तो वो 3 से 7 से 11 से 37 से जरूर डिवाइड होती है, तो वो 7 से जरूर डिवाइड होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, और नंबर हमारा 7 से डिवाइड है तो पेयर सेम बैठ रहे ना, देखिए यहां भी दे रखे हैं, तो पेयर कैसे सेम बैठेंगे, कैसे सेम बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 से लेके 2A, देखिए
ये सिक्स सिक्स के पेयर हो जाएंगे, ये हमारे डिविजिबल हो जाएंगे, रिपीट हो रहे हैं। जब भी नंबर सेवन से डिवाइड होता है, सिक्स सिक्स के पेयर हमारे डिवाइड होते हैं। अगर सिक्स, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लास्ट वीडियो में देखिए बताया था, कोई भी नंबर हमारा छह डिजिट का है और वो सारी की सारी सिक्स डिजिट सेम है, तो मतलब वो 3, 7, 11, 13 इस टाइप से 37 इनसे डिवाइड हो, ठीक है। तो सिक्स सिक्स के पेयर अगर आप बना लो तो टोटल 60 डिजिट हमारी फिनिश, 60 डिजिट हमारी फिनिश हो जाएगी 61 में से, और एक डिजिट बच जाएगी 2। इसी तरह से आप सिक्स सिक्स के जब पेयर बनाओगे तो इसमें भी हमारी एक डिजिट बच जाएगी 3, यानी कि नंबर हमारा अभी 2A3। ये रह गया, बस हमें इसको चेक करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिक्स का पेयर डिवाइड है तो यहाँ जितनी भी 60 तक डिजिट आएंगी ना, सिक्स सिक्स का पेयर बनाती हूँ, वो तो सब सेवन से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएंगी ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर सिक्स डिजिट अपनी कंटिन्यूस रिपीट कर रहा है। छह छह का पेयर हम देखेंगे तो सिक्स सिक्स का 10 times पेयर पूरा पूरा डिवाइड है, पूरा पूरा पेयर हमारा डिवाइड है सेवन से, ठीक है। तो यहाँ केवल 2 बच जाएगा जो पेयर में नहीं आएगा, 60 तक डिजिट खत्म और फिर बच गया हमारा 2। इसके बाद आपकी 8 डिजिट आ जाएगी, इसके बाद आपकी 8 डिजिट आ जाएगी। इसी तरह से आप 333 का यह पेयर बनाइए पूरा, ठीक है, 333 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6666 से 10 times तक कटता जाएगा और केवल एक डिजिट आपकी बचेगी कटते कटते 3, तो ये हमारी 2 बच जाएगी और इसके राइट में हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। अब बस आप ये देख लीजिए, नंबर 7 से डिवाइड है, नंबर 7 से डिवाइड है, तो हम क्या पुट करें जिससे नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाए, हम क्या पुट करें? तो 7 का मल्टी, अगर हम यहाँ ए की वैल्यू 0 रखे हैं तो 7 को 203 से जरा करके देखिए, हाँ हमें आगे रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं होता 0 रख के, यानी 203 डिवाइड हो गया 7 से, यानी ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो आप करते जाइए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप करते जाइए। कैसे, 123 डिजिट का नंबर है तो ठीक है, ए मिडिल डिजिट है, यानी 61 डिजिट इधर होंगी, 61 डिजिट ऐसे करके 123 डिजिट बनाएंगी। अब नंबर 222 सिक्स बार कोई डिजिट अपने आप को रिपीट करती है तो वो नंबर 7 से जरूर डिविजिबल होता है, जरूर डिविजिबल होता है 7 से, तो यानी डिविजिबल होते 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 60 नंबर तो खत्म हो जाएंगे 66 का पेयर बनाते हुए और नंबर केवल बचेगा यहाँ 2। इसी तरह से आप इधर पेयर बनाओगे तो आप सोच रहे हो यहाँ से भी शुरू के देखो 333 सब नंबर खत्म होते जाएंगे और बचेगा यहाँ से 3, और उसको डिवाइड करके देख लीजिए कौन सा नंबर बेटर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इधर आपका डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट शुरू होता है, नेक्स्ट में भी नंबर सिस्टम आपका चलेगा, रिमाइंडर थ्योरम आपका आएगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ वीडियो। तो वी मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।